नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें, यदि वो आपके घर में हो रही हैं तो इससे आने वाला है भारी संकट। यदि आपके घर में बिल्ली या बिलाव आकर रोने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि परिवार में आपस में झगड़ा या कलेश होने वाला है। इसके साथ ही यदि घर के मुख्य दरवाजे से सांप घर के अंदर आता है तो यह घर के मुखिया के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। यदि घर में कोई चोट खाया हुआ घायल पक्षी गिरता है तो समझ लीजिए कि आपके घर पर महासंकट आने वाला है। यदि घर में महिला के हाथ से बार बार किसी कारण के भोजन नीचे जमीन पर गिरता है तो यह संकेत भी शुभ नहीं होता। इसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी धन हानि होने वाली है। इसके साथ साथ यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात घूमते रहें तो समझ लीजिए किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। और यदि किसी खुशी के कार्य पर घर में आग लग जाए तो यह धन हानि की संभावना बन जाती है। इसके साथ साथ यदि आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं और कोई मूर्ति या तस्वीर अपने आप खंडित या जल जाए या फिर आपके हाथ से जमीन पर छूट जाए तो यह संकेत पूरे परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। यदि घर में बार बार दूध जमीन पर गिर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी घर में कलेश और विवाद की स्थिति बनने वाली है। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।